नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अनिल। वेलकम टू माय चैनल जीवन है ओ। दोस्तों आज हम हेल्दी टिप्स पे देखेंगे। हम अच्छा खाना खाते हैं, कौन सा? चाइनीज। लेकिन अगली पीढ़ी, अगली नस्ल बर्बाद कर देने वाले, इसके बारे में आज हम बातें करेंगे। दोस्तों ये चैनल शुरू करने से पहले ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों ये बातें हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आजकल ऐसा होता है कि जो बच्चे, छोटे बच्चे या बड़े कॉलेज के लड़के, ये भी घर का खाना ज़्यादा नहीं खाते, घर का खाना उन्हें पसंद नहीं आते। घर में जो भी हम सब्जी करते हैं, जो भी वेजिटेरियन करते हैं, उन्हें पसंद नहीं आता। क्यों? कि उन्हें इस चाइनीज की वजह से उनके जीव की तोटले बदल गए। जी हाँ, उन्हें ये ऐसा जंक फूड खाना ज़्यादा पसंद होता है, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, चाइनीज, ये पदार्थ उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन इनके इनसे तो पेट तो भरता है, लेकिन इनसे क्या तकलीफ हो जाएगी, इनसे क्या नुकसान हो जाएगा, उनके बारे में वो नज़रअंदाज बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। आप ज़रूर ध्यान दीजिए, आप वीडियो देखते हैं तो आप ज़रूर इस पर ध्यान दीजिए। ये जंक फूड हमारे शरीर को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। और अगले नस्ल, ये चाइनीज वाला जो खाना होता है, जैसे कि हम शेजवान राइस या मंचूरियन, कुछ भी उनके जो बहुत सारे पदार्थ हैं, वो जो चाइनीज बनाते हैं तो उनमें वो अजीनोमोटो नाम के जो केमिकल होता है वो डालते हैं। वो अजीनोमोटो महंगा मिलता है और उससे भी बहुत अच्छे टेस्ट आते हैं। लेकिन अजीनोमोटो क्या है? तो अजीनोमोटो एक केमिकल है। उससे क्या होता है कि अजीनोमोटो जब हम खाएंगे तो हमारे शरीर में, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में बहुत सारी तकलीफ हो जाएगी। हमारा ब्लड धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा और उससे ब्लड से हमारे शरीर में मांसपेशियां, हड्डियां तैयार होती है, वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी। अगर हमारे मांसपेशियां, हमारे हड्डियां अगर कमज़ोर हो जाएगी तो आप अगली नस्ल क्या बनाएंगे, कैसे बनेंगे आप अगली नस्ल? हमारी उम्र तो 60-70 के करीब हो जाएगी, 70-75, ये बहुत हो गया हमारे लिए। लेकिन हम उतने भी जिएंगे नहीं, ये तो भगवान की बात है। लेकिन एक बात ऐसी है कि हमारे अगली नस्ल जो चाइनीज ज़्यादा खाते हैं, उनकी उम्र 7 साल से ज़्यादा नहीं होगी, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। मैं श्योरली तो नहीं बता सकता, लेकिन जिनके मांस पेशियों में, हड्डियों में जान नहीं होगी, उनमें ताकत नहीं होगी, तो वो ठीक से चल नहीं पाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, उनको ज़िंदगी गुजारना बहुत कठिन हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे वो लोग। अगली नस्ल वो क्या पैदा करेंगे? अगर दोस्तों ये चाइनीज ज़्यादा खाते हैं तो उनकी हड्डियों में बहुत कमज़ोरी आ जाएगी। हमारे आर्मी में जो भी अभी हमारे सैनिक भाई है, आर्मी भाई लोग हैं, उनको 40 के उम्र तक वहाँ पे नौकरी पे रखते हैं। क्योंकि 40 साल तक हमारे शरीर में मांसपेशियाँ तैयार हो जाती है और 40 के बाद मांसपेशियाँ तैयार होना बंद हो जाता है। मांसपेशियों में जितने हम 40 के उम्र तक मांसपेशियाँ तैयार होगी उसमें ज़्यादा ताकत होती है, लेकिन 40 साल के बाद किसी के भी शरीर में मांसपेशियां बनना संभव नहीं होता। 40 उम्र के बाद मांसपेशियां होना बंद हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप चाइनीज खाना खाएंगे और बहुत चाव से खाते हैं आप लोग, लेकिन वो जो केमिकल होता है, जो अजीनोमोटो, उससे आपके
खून में खराबी हो जाएगी, आपके मांसपेशियों में हड्डियों में खराबी हो जाएगी। अगर आप तंदुरुस्त नहीं होंगे और वही खून आपके अगले नस्ल को दे देंगे तो उनकी उम्र क्या होगी, ये बातें आप सोचिए। आपके अगली पीढ़ी अगली नस्ल की उम्र क्या होगी अगर आप चाइनीज खाते हो तो। चाइनीज खाओ, जरूर खाओ, लेकिन कितना, महीने दो महीने में तीन महीने में एक बार खाओ तो ठीक होगा, लेकिन आप हफ्ते में दो तीन बार खाएंगे, महीने में 10-12 बार खाएंगे तो उससे आपको ही तकलीफ हो जाएगी, आपकी अगली नस्ल के लिए तकलीफ हो जाएगी। तो इस बात पर ध्यान देते हुए आप इस पदार्थ का सेवन ना करें जो कि हमारे पीढ़ियों को तकलीफ दे सकता है, उनको नुकसान दे सकता है। तो दोस्तों ये बात आप ध्यान में रखिए और ये वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर शेयर करना ना भूलिए दोस्तों, सबको ये बातें जाननी चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं, धन्यवाद दोस्तों।